अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं इरफान आल इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर। दोस्तों आज मेरे पास ये वाईफाई स्मार्ट नेट कैमरा है और ये मेरे पास है V380 Pro। तो ये जो कैमरा है मेरे पास है वाईफाई स्मार्ट कैमरा है V380 Pro का कैमरा जो इनका है इनबॉक्स करेंगे। तो अभी मैंने ये कैमरा लिया है दोस्तों मार्केट से और अभी इसको खोल के देखते हैं कि ये कैसे चल रहा है और ये अंदर से कैसे दिखता है और किस टाइप का कैमरा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसको खोल रहा हूँ और ये मैंने खोल दिया दोस्तों। तो ये बिल्कुल ये बारवाड़ वाला जो एलईडी वाला पे इस तरह है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, और ये ज़बरदस्त टाइप का कैमरा है दोस्तों और इसका साइड मेरे ख्याल से इसका लाइट भी है और ये माइक भी दिख रही है और ये साइड से ये रीसेट लिखा हुआ है, शायद सिस्टम का या पासवर्ड का रीसेट इस तरह का कुछ होगा। तो ये रीसेट लिखा हुआ है और ये मेमोरी कार्ड के लिए भी जगह भी दिख रही है। तो ये ज़बरदस्त कैमरा दिख रहा है और अभी मार्केट से मैंने लिया ये और ये मुझे कितने का मिला है ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये इस पर होल्डर लगा के इसका मैं अभी सेल लाइन पर लगा के चेक करूँगा कि ये 220 वोल्ट पे चलता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस पर मैं सीरीज लाइन लगा के चेक करूँगा कि ये कैसे ऑन हो रहा है और ठीक है, और अभी देखते हैं उसको चलाते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने लगा दिया है और शायद अभी थोड़ी टाइम लेगा ये ऑन होने के लिए। तो अभी देख लिया दोस्तों, लाइट अभी इशारा दे रहा है कि इसमें सप्लाई आ चुकी है और ये ऑन हो रहा है। और इसको चलाने का तरीका ये सब अभी मेरे पास चलाने के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल है। ठीक है दोस्तों, आवाज़ भी कर रहा है लेकिन तो अभी आगे मैं वीडियो एडिटिंग में बात कर रहा हूं, मोबाइल खत्म हो गया है। कैसे करते हैं और मोबाइल करने के बाद क्या क्या फंक्शन है और इस तरह के तो चलिए दोस्तों उसको कैसे चलाते हैं और मोबाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और इसके लिए एक ऐप होता है इसको चलाने के लिए V380 Pro। ठीक है दोस्तों, V380 Pro आप अपने मोबाइल में सर्च कर सकते हैं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से। तो ये मैंने पहले सर्च किया हुआ है और इसको मैंने इंस्टॉल भी किया है। तो अभी अगर आपने इंस्टॉल डाउनलोड किया है तो उसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद इसको ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने ओपन कर दिया और ये जो ऐप है इसका इंटरफेस इस तरह है, पहला इंटरफेस जो है। तो अभी कैमरे से कनेक्ट करने के लिए हम पहले वाईफाई खोलेंगे क्योंकि दोस्तों जो भी कैमरा होता है उसका हॉट स्पॉट होता है। तो मैं अभी इसको वाईफाई इसका ओपन करूँगा और देखिएगा दोस्तों, वाईफाई मैंने ओपन किया और जैसे इसका कोड आ गया और ये कनेक्ट हो गया दोस्तों, क्योंकि मैंने पहली बार इसको कनेक्ट कर चुका हूँ। तो अभी ये हो गया कनेक्ट और अब देखो दोस्तों, वाईफाई कैमरे के साथ कनेक्ट करने के बाद हम अभी इस ऐप पे आ जाते हैं और अभी इस ऐप पे आ जाने पर के बाद दोस्तों आप एडिट डिवाइस पे इस पर लगाइए और जो कैमरे का डब्बा है इसके ऊपर इसका बारकोड होता है और बारकोड का स्टिकर होता है। तो कैमरे पे आप इसके बारकोड पे स्कैन करें। ठीक है दोस्तों, तो ये खुद बहुत कनेक्ट हो जाएगा और ये ईमेल इस तरह का पासवर्ड वगैरह ये मांगता है तो वो ना करें आप, और सिर्फ इसका जो डिवाइस का पासवर्ड होता है यहाँ आप अपने मर्ज़ी से पासवर्ड लगा सकते हैं। अगर आपका यहाँ से पासवर्ड गलत लग गया तो जो आगे एक सुराख है माइक के बराबर में रीसेट लिखा हुआ वहाँ आप इसके किसी पिन से दबा के आप रीसेट कर सकते हैं। तो ये मैं अपने पासवर्ड दर्ज कर रहा हूँ, इसमें इरफान 123 आप इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं कोई सा भी पासवर्ड। तो ये कंटिन्यू कर दिया मैंने और ये हो गया, अब हो गया दोस्तों। ठीक है, और अभी जो वीडियो का जो टाइप दिख रहा है आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद देखिएगा दोस्तों, ज़बरदस्त कैमरा अभी ऑन हो गया और ये मैंने कैमरा नीचे टेबल पर रख दिया है। ठीक है दोस्तों, और ये ज़बरदस्त ऑन हो गया है और इसकी जो मेगा पिक्सल है वो भी ज़बरदस्त दिख रही है दोस्तों। डब्बे पर तो नहीं लिखा हुआ है कि कितने मेगा पिक्सल का है लेकिन ज़बरदस्त ये दिख रहा है, बिल्कुल साफ कैमरा है इसका। तो अभी जो है आप यहाँ जो है माइक टाइप का जो बीच में दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके उसमें कोई सा भी आवाज़ में बोलोगे तो वो कैमरे में लाउड स्पीकर है, कैमरे में आप इधर से आवाज़ बोलो वहाँ पे आपका आवाज़ पहुँच जाएगा और लाउड ज़बरदस्त लाउड तरीके से उसमें आवाज़ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये देखिएगा इसमें लाइट आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और अभी इसमें
आप जो है इसमें चार साइड आराम से सेट कर सकते हैं। जैसे एक मकान में अगर आप चार कैमरे चार कोनों पर लगाएंगे तो चार कैमरे जितना काम कर रही है, अकेले एक कमरा जो है कमरे में ये एक ही कैमरा काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चारों तरफ से आप अलग से अलग से सेट कर सकते हैं। ये तो हमने आप देख सकते हैं कि कहाँ से सेट करना है, ये मैंने आपको दिखाया है। और अभी आप कहीं से एक मकान में आप किसी भी तरफ घुमा के चार कोने आराम से एक इसी एक कैमरे से सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये पूरे दुकान में घूम रहा है। ठीक है, तो ये अभी जो है दुकान का ऊपर छत भी दिख रहा है, लेकिन नीचे फर्श में मैं काम कर रहा हूँ ये भी दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ज़बरदस्त दोस्तों। और ये मार्केट से मुझे मिला है 1500 रुपये का, और अभी आपके मार्केट में कितने का मिलेगा ये मुझे नहीं पता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।